दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के 46 गेंदों में 100 रन देखने के बाद पाकिस्तान में तो बवाल ही मच चुका है और बड़े से बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने चौंकाने वाले बयान जारी कर दिए अभिषेक शर्मा और भारतीय नई टीम पर। आखिरकार दोस्तों, पाकिस्तानियों ने बौखलाते हुए अपने बयान में क्या चौंकाने वाली बातें कही, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा से ज्यादा बेहतर ओपनर है? नीचे कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के बाद ना तो रोहित T20 खेलेंगे और ना ही विराट कोहली, लेकिन अब लग रहा है कि युवा पीढ़ी इन दोनों की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद 0 पर आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा को खास तौर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये वही भारतीय क्रिकेट टीम है जिसके सारे खिलाड़ी IPL के बड़े से बड़े सुपरस्टार कहे जाते हैं, फिर भी पहले मुकाबले में हार के बाद दूसरे मैच में दोस्तों किसी के भी माथे पर शिकन नजर नहीं आई। गिल ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। वो खुद तो 2 पर आउट हो गए, लेकिन उनके जोड़ीदार और खास दोस्त अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा कि रोहित शर्मा ने अपनी डेब्यू सीरीज में किया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ 47 गेंदे, 8 छक्के, 7 चौके जड़कर 212 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 100 रन की पारी खेली और उनके 100 रन दोस्तों भारत को 150 के पार ले गए थे 15वें ओवर तक, क्योंकि दूसरे छोर से गायकवाड़ भी छक्के बरसा रहे थे। 77 रन उन्होंने बनाए और इनको भी 5 छक्के जड़कर 50 रन के आसपास की पारी खेलकर गए, जिससे कि टोटल बना 234 रन का। दोस्तों, इतना बड़ा लक्ष्य चेस करने के लिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के पसीने छूट जाएं तो फिर भी जिम्बाब्वे की टीम थी। इसके बाद हमारे फास्ट पेसर्स यानी कि अवेश खान और मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए और मैच को 100 रन के अंतर से भारत के नाम करा दिया। दोस्तों, ये एक बड़ी जीत है और इतनी बड़ी जीत मुमकिन हुई है अभिषेक शर्मा के शतक के बल पर कहीं ना कहीं, इसीलिए इनके शतक की तारीफ और तुलना पूरी दुनिया में की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी दिग्गजों को क्या कुछ कहना, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अख्तर ने तो वीडियो अपलोड कर कहा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद लगा था कि शायद भारतीय क्रिकेट टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित और विराट का रिप्लेसमेंट ढूंढना कोई आम बात नहीं है। वैसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट मिल ही चुका है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाना, वो भी उस मैच से आकर जहां पर आप 0 पर आउट हुए हों। अभिषेक शर्मा में वाकई में एक ट्रू स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी है और मुझे लगता है कि आगे चलकर वो भारत के खतरनाक ओपनर भी साबित होंगे। छक्के से शुरुआत करना फिर शतक जड़ना स्टाइल में, ये उनका क्लास दिखाता है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत को दूसरा रोहित शर्मा मिल चुका है। दोस्तों, इंजमाम मुल्क ने भी कहा, भारतीय टीम के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे मेरे विचार नहीं मिलते, उनमें से रोहित शर्मा एक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का मैं फैन हूँ और अगर उनके बाद कोई उनकी गद्दी पर बैठ सकता है तो वो अभिषेक शर्मा ही है। मतलब ऐसी क्लास परफॉर्मेंस देखे वो अरसा हो गया। 47 गेंदों में शतक बहुत कुछ दर्शाता है। एक शर्मा जी गए थे, दूसरे आ गए, भारत वाकई में बहुत लकी है। उसे वसीम अकरम ने भी कहा, अगर युवा खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं तो जरा सोचिए जब अनुभवी टीम के खिलाड़ी भी इनसे मिल जाएंगे तो ये और कैसा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम और विस्फोटक होने वाली है। 2026 T20 वर्ल्ड कप भी अब तो इनका ही लगता है। रोहित का रिप्लेसमेंट अभिषेक शर्मा है। दोस्तों, रमीज रजा और साथ ही साथ अफरीदी जैसे दिग्गजों ने भी कहा, मुझे लगता था कि भारतीय क्रिकेट टीम अब T20 में कमजोर हो जाएगी, लेकिन एक भी कारण नहीं मिल रहा उन्हें कमजोर बताने का। अभिषेक शर्मा आ गए, रोहित शर्मा गए तो, और ये तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये बड़ी टीमों की धुनाई करेंगे। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की पारी कुछ ऐसी थी कि हर कोई उनका फैन हो गया है। वैसे आप सभी उनके इस पारी को 100 में से कितने नंबर देंगे, नीचे रेटिंग जरूर दीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।